Assalamu alaikum and good morning everyone. This is Bilal Azam and you are watching my channel Being a Traveler. और बीइंग अ ट्रैवलर का सफ़र स्टार्ट हुआ था लाहौर से, और बसों पे सफ़र करता हुआ मैं ईरान को कवर किया, फिर बसों पे सफ़र करते हुए टर्की को कवर किया, दरमियान में समुंदर आ गया था तो फ़्लाइट ले ली, तो फ़्लाइट लेके मैं पहुंच गया था अमेरिका। तो अमेरिका में आके थोड़ा सा बीमार हो गया और काफ़ी टाइम अंदर ही बैठा रहा न्यूयॉर्क में, एक दो व्लॉग्स आपके साथ शेयर किए, लेकिन उसके बाद मैं आ गया था बोस्टन। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ बोस्टन में, और बोस्टन के बस टर्मिनल के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। टर्मिनल भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। सीन ये हुआ कि यार मैंने कहा बस का ट्रिप चल ही रहा है तो क्यों ना एक और सफ़र बस का किया जाए। पहले जैसे हमने बॉर्डर क्रॉस किया था पाकिस्तान और ईरान का बस पे, और फिर ईरान से टर्की का भी बस पे क्रॉस किया, तो आज मेरा प्लान बना कि यार हम अमेरिका से कैनेडा में एंटर होते हैं बाई बस। आज दो फ्लाइट्स भी जाती हैं, लेकिन आजकल वैसे ही बस दिल कर रहा है बसों के ऊपर सफ़र करने का, और ये सीरीज सारी बस की सीरीज़ चल रही है। तो सीन ये है कि मैंने बोस्टन में, यहाँ से मैंने बस बुक की अपनी, और यहाँ से चलेगी ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटे का जो है वो टाइमलाइन है इसकी, और ये मुझे कनाडा के शहर लेकर जाएगी मॉन्ट्रियल में। तो सर्दियों का टाइम है, इधर भी शदीद सर्दी है, जितना कुछ मेरे पास था मैंने सब कुछ पहन लिया, और कनाडा में तो आपको पता है शदीद यख सर्दी होती है, तो और मुझे तो लग रहा है वहाँ पे शायद बर्फ़बारी भी स्टार्ट हो गई हो। तो आज सफ़र स्टार्ट करते हैं, ऑलमोस्ट कोई आधा पौना घंटा रह गया बस के स्टार्ट होने में, तो 1 बजे ऑलमोस्ट ये चलेगी यहाँ से बस, और फिर हमें लेके जाएगी मॉन्ट्रियल। इमिग्रेशन भी क्रॉस कराएगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा सारा का सारा। तो आए, बस का सफ़र चल रहा है तो हम क्रॉस कर रहे हैं डिफरेंट बॉर्डर बस पे, ये वाला भी आज करके देख लेते हैं। बाय द वे कनाडा का वीज़ा मेरा काफ़ी देर पहले का लगा हुआ था, आज से तकरीबन 3-4 साल पहले का लगा हुआ था, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं कर पाया था। तो ये मेरा 2020 में मेरा वीज़ा लगा था, आई गेस 19 या 20 में, तो अब मैं पहली दफ़ा उसको यूज़ करने लगा हूँ, तो उसके बारे में भी देखता हूँ शायद कोई मसला वगैरह ना करेंगे यार आप इतनी देर बाद क्यों आए हैं। तो आज ही साथ साथ आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लेकिन साथ कुछ खाने पीने के लिए भी लेने हैं, आज वो भी ले लेते हैं। तो जी मैकडोनल्ड का फ़िश बर्गर ही मिला है, इसके अलावा तो कुछ इधर हलाल मिल नहीं रहा था। तो ये बस टर्मिनल बना हुआ है यहाँ पे, और 4 नंबर पे आनी है हमारी बस। फ़िलहाल यहाँ बैठे हैं जी, इधर सामने बस आएगी अपनी जो कि हमें इमिग्रेशन भी क्रॉस कराएगी US की, और कनाडा एंटर कराएगी। बड़ा ही यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला है। प्लान ज़्यादातर तो मैं वो करके आया हुआ था कि ईरान और टर्की का करने बाय बस, कहाँ अमेरिका पहुँचे और कहाँ अब कनाडा की हम बाय बस करने वाले हैं। तो मेरे पीछे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है इनका टर्मिनल, जितनी भी इनकी बसेज़ हैं यहाँ पे आगे लोग बैठ जाते हैं, और इसके साइडों के ऊपर इनकी सारी बसेस जो है वो आके लग जाती है डॉक पे। तो बिल्कुल ऐसी जैसे आपने टर्की में भी देखा है और ईरान में भी देखा है, इवन मैंने मलेशिया के अंदर भी यही देखा था कि इनका जितना भी बसेस का नेटवर्क होता है, उनके टर्मिनल्स होते हैं, आपको एयरपोर्ट वाली फीलिंग आती है, बिल्कुल आपको लगता है कि यार आप किसी एयरपोर्ट के ऊपर आ गए, किसी टर्मिनल के ऊपर, वही सफाई सुथराई, एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन आपको पता है हमारे बसेस टर्मिनल का तो बस पे पूछे ही ना। मैंने अब जो है वो मैकडोनल्ड लिया है थोड़ा सा खाने पीने के लिए, बहुत शदीद भूख लग रही थी, तो जल्दी जल्दी ये खाते हैं फिर हम निकलते हैं। टाइम हो गया 12:30 और 1 बजे की बस है। ये है जी इंटरनेशनल बोर्डिंग, बस का नाम है ग्रे हाउंड, और ये मुझे टिकट मिला ऑलमोस्ट $65 का, जो कि ऑलमोस्ट 9 घंटे ट्रैवल करवाएगा मुझे, और बोस्टन से जाना है मॉन्ट्रियल इनका शहर। बोस्टन तो हाँ यार मैं बोस्टन आपको नहीं दिखा सका बिकॉज बारिश होती रही, अंदर ही बैठा रहा भाई के पास, तो ऊपर आपको यहाँ पे लिंक नज़र आ रहा होगा, पिछली दफ़ा जब मैं बोस्टन आया था मैंने इसकी कुछ एपिसोड्स बनाई थी, तो यहाँ पे आप देख लें, अगर आपने बोस्टन देखना है इधर ऊपर कहीं लिंक आ रहा होगा तो देख लें। अभी बस ये है कि रेडी हो गई है बस बोर्डिंग शोर्डिंग, तो चलते हैं हम। रास्ते में बर्फ़ नज़र आना शुरू हो गई है, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि आगे कितनी सर्दी आने वाली है।
वैसे इस तरफ तो धूप निकला गया अल्लाह करे, लेकिन इस तरफ मुझे कॉन्टीन्यूसली बर्फ गिरी हुई नज़र आ रही है। और अभी हम US के अंदर ही हैं, कैनेडा के अंदर एंटर नहीं हुए। पहुंच गए हैं हम बॉर्डर के ऊपर और यहाँ पे मैं उन्होंने उतार दिया बस वाले ने, और बिल्कुल वैसे प्रोसेस है, इमिग्रेशन यहाँ पे होगी और इमिग्रेशन के बाद फिर ये बस हमें जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके हमें दोबारा पिक करेगी। तो काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे, आप देखें इस गाड़ी के ऊपर फुल बर्फ़ से कवर्ड है और ये हमारी बस है, चलते हैं अंदर। वाओ मैन, इट वॉज दैट सिंपल। सिंपल एक कमरे के अंदर एंटर हुए हैं, दो तीन ऑफिसर्स खड़े हुए थे, उन्होंने सिर्फ दो दिन पूछा जी क्या करने आए हो, मैंने कहा विज़िट करने के लिए, कितने दिन, 5 दिन, कोई क्या क्या बैग के अंदर, मैंने कहा स्नैक्स हैं, लैपटॉप और कैमरास, तो कहते हैं कब जाने वापस, मैंने कहा बस एक बता रहूँगा यहाँ पर, तो कहते हैं दैट्स इट, मैंने कहा हाँ, तो कहते हैं टिकट है ऑलरेडी आपके पास वापस वापसी की, मैंने कहा हाँ है, तो स्टैम्प और लेट्स गो। और बस वही सामने पीछे कमरा था, उस कमरे से आए हैं और इस कमरे के अंदर वापस आ रहे हैं बस। हार्डली पूरी बस की इमिग्रेशन 10 मिनट के अंदर हो गई है। चलते हैं जी दोबारा बस के अंदर, अपने बैग्स रखते हैं और लेट्स गो अगेन इनसाइड। ओके, बैग्स रख दिए हैं, बहुत शदीद है, और अभी बजे हैं 7:30, यानी 7:15 आलमोस्ट, चल लेते हैं हम आलमोस्ट 1 बजे, और 6 घंटे में हम लोग बॉर्डर पे पहुँचे और 10-15 मिनट में टोटल इमिग्रेशन होगी और अब चलेंगे हम लोग बॉर्डर क्रॉस करेंगे और कनाडा में एंटर होंगे। आज चल गया है -1 है इसमें। एंड फाइनली रीच टू माई कंट्री नंबर 21, दैट इज़ कैनेडा। तो अभी तो रात है, फिलहाल मैं टर्मिनल के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ से अब देखना है कि यार अंदर जाना कैसे है मुझे अपने हॉस्टल, बिकॉज रात का टाइम है, 8:30 बजे पहुँच गई है, आधा घंटे पहले पहुँचा दिया शायद, क्योंकि आधी बस थी, काफ़ी लोग थे ही नहीं यहाँ पर, बस आधी खाली आई है, तो अब मैंने देखा है यहाँ से कोई लोकल बस देखता हूँ। 3 किलोमीटर है, वॉक करके भी जा सकते हैं, लेकिन सर्दी बहुत शदीद है, तो लेट्स सी, देखते हैं। तो करेंसी एक्सचेंज वगैरह करवा लेते हैं, अभी मेरे पास US के डॉलर्स हैं, कैनेडियन डॉलर्स करवाते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं अपने हॉस्टल। ऑलराइट, तो भाई ये स्टेशन से निकला हूँ मैं और ये हैं बाहर सीन्स, फुल बर्फ़ से ढका हुआ है आसमान, चक्रे फुल बादल, ओ माई गॉड क्या बर्फ़ सीन है भाई। चल रहे हैं यार, अब मैं मेट्रो की तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ के जो स्टेशन के ऊपर पुलिस गार्ड था उसने बता दिया कि यार आप यहाँ से मेट्रो ही ले लें और 24 आवर का आपको पास मिल जाता है 11 कैनेडियन डॉलर्स। तो कैनेडियन डॉलर इस वक्त है ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 166 रुपीज़ का, तो आप यूँ समझ लें कि कोई 1600-1700 रुपये का आपको एक दिन का गार्ड मिल जाएगा, अनलिमिटेड राइड्स। बड़े महंगे यार अमेरिका और कनाडा वगैरह, ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो पीछे तो हम बड़ा सस्ता करते आ रहे थे टर्की में और इधर। लो जी ये चेक करें, पूरी फुटपाथ पे भी बर्फ़ ही बर्फ़ है, ध्यान से चलना पड़ेगा। आते ही यहाँ पे जो समझ आ रही है वो ये कि सब जगह पे स्पेनिश लिखी हुई है और सब लोग बोल भी स्पेनिश रहे हैं, काफ़ी लोग, तो ये देखें यहाँ पे भी आपको स्पेनिश नज़र आ रही है, हाय ये भी स्पेनिश लिखी है, अच्छा दीदी त्रस पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं एक दिन का पास थ्रू आउट, स्पेनिश लिखी हुई है यार, इंग्लिश क्यों नहीं लिखी हुई।
पहली राइड ले ली है मैंने कनाडा की मेट्रो ट्रेन की। स्टेशन तो बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा नीचे है यार, कम से कम 50 फुट में ऊपर आ चुका हूँ, दो एस्केलेटर्स में चढ़ के ऊपर आ चुका हूँ बड़ी बड़ी, और अब ये तीसरी फिर आ गई है, मतलब तीन मंजिलें नीचे था मैं। चेक करें आप, बस अब यहाँ से निकल के 3 मिनट्स की वॉक है हॉस्टल की, जाके बैग शैग फेंक दें। और मसला पता क्या है, मसला ये है कि अब इधर आके भूख लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा, और इतने मज़े मज़ेदार चिकन बर्गर आपको नज़र आ रहे होते हैं लेकिन आप नहीं ले सकते। चले यार मैं जल्दी से अपना रास्ता देखूँ कहाँ जाना है। और आसमान में क्या लाइट पड़ रही है, लोकेशन अच्छी है यार। अभी अंदर जाके देखते हैं हॉस्टल कैसा है। अभी तो मैं बर्फ़ में वॉक करता हुआ जा रहा हूँ, बस स्लिप ना हो जाऊँ, दो बैग उठाए हुए मैंने। ओके जी, हॉस्टल पहुँच गया हूँ। ये है मेरा हॉस्टल, रेड एंड वाइट, नीचे सड़क पे भी वाइट वाइट हुआ हुआ है सब कुछ। और ये सामने चेक करें क्या बिल्डिंगें खड़ी हैं। हाय, हेलो, या बिलाल, ओके सो तीसरे फ्लोर पे 301 बेड और अपर बेड मिला है हमें। ये गलती हो गई है, मैं आपको बता रहा था ना स्पेनिश लिखी हुई है, स्पेनिश नहीं है। ये हॉस्टल रिसेप्शन पे गैब्रियल थी, इसने बताया कि फ्रेंच है, क्यूबेक के अंदर ज़्यादातर फ्रेंच ही बोली जाती है इस यहाँ पर। ओके जी, कमरे में चेक इन कर लिया है, हॉस्टल होटल नुमा जो भी है मुझे बहुत ही प्यारा लगा, और ये मुझे मिला है ऑलमोस्ट $24 पर नाइट, आप यूँ समझ लें ऑलमोस्ट पाकिस्तानी कोई 6000 रुपया पर नाइट पड़ गया। कहाँ पे, ईरान में हमने 1200-1300 रुपया पर नाइट किया था। लेकिन अभी मैं निकल पड़ा हूँ जल्दी से होटल से क्योंकि शदीद भूख लग रही है, और मैंने देखा कि मेरे होटल के बिल्कुल पास ही एक पर्शियन हलाल फूड की आउटलेट है। तो ईरानी खाना आपको पता है कि हम टूर में स्टार्ट किया था ईरान से, जो कि मेरे दिल को बहुत ज़्यादा लग गया हुआ है, तो अल्लाह करे हमें यहाँ पे कोबिदा कबाब या जोजो कबाब मिल जाए जो कि हमने ईरान के अंदर ट्राई किए थे तेहरान के अंदर। तो जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, 15 मिनट रह गए क्लोज होने में, भाग के चलता हूँ फिर वहाँ जाके आपको कुछ दिखाता हूँ सीन। अच्छा, ये डाउनटाउन एरिया है इस वक्त जहाँ पे मैं हूँ, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खाने पीने के आउटलेट्स हैं मेरा ख्याल है। ये सुबह भी ज़रा हम इसको एक्सप्लोर करेंगे इस एरिया को। ओके जी, तो डाउनटाउन के अंदर एक ये है अल तैयब हलाल फूड है, और सामने है चैतो कबाब, ये वाला टर्किश है आई गेस, अंदर टर्किश ही नज़र आ रहा है, और ये वाला ईरानी है। दोनों चेक कर लेते हैं। ईरानी वाला ये जो कबाब है चैतो कबाब, तो भाई बड़ा महंगा सीन है। इधर तो एक वन टाइम मील जो मिल रहा है ऑलमोस्ट मिल रहा है हमें कोई $30, जो कि $30 कैनेडियन, जो कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट को 5000 बन जाता है। ये वो प्लेट है जो कि हम ईरान के अंदर बड़ा इजीली 500-600 रुपए में पाकिस्तानी में खा लेते थे, जो कि यहाँ पे 5-6000 में मिल रही है। मेन रीज़न ये होती है कि यार यहाँ पे खर्चे और एक्सपेंसेस और वो क्राइश वाइज इतने महंगे होते हैं। अब मैं जा रहा हूँ टर्किश वाले में, यहाँ पर देखते हैं क्या मिलता है इनका। स्लाइस पर ओके, ये मुझे लगता है कुछ मिल जाएगा बारे में। ओके जी, तो फिर इस पिज़्ज़ा स्लाइस पे इक्तफा किया हमने, ये भी $4 का आया है कैनेडियन, जो कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट बन जाता है आप समझ लें कोई 700 रुपया इस वक्त। लेकिन रेस्टोरेंट अच्छा है, इधर से दो दिन हम इधर से ही खाएंगे, ये अच्छी आइटम्स हैं इनकी यहाँ पर। तो जी, ये था आज का हमारा सफ़र, जो कि स्टार्ट हुआ था हमारा बोस्टन से और पहुंचा मैं रात को मॉन्ट्रियल कनाडा।
तो मज़े की बात यह है कि मैंने इतना कोई सर्च नहीं किया था एरिया के बारे में, लेकिन लकीली जिस जगह पे मैंने हॉस्टल लिया है ये डाउनटाउन है मॉन्ट्रियल का, और इसके चारों तरफ पाकिस्तानी, इंडियन और अरेबिक रेस्टोरेंट्स हैं। हलाल फूड तो कोई टेंशन ही नहीं ना है, और लेकिन एक मसला होता है कि यार जितने भी ये देसी रेस्टोरेंट्स होते हैं ना इनके रेट्स भी फिर खींच के जो है ना वो हाई होते हैं। नॉर्मल फूड आपको कोई $6-7 का मिल जाता है, लेकिन ये जो पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं यहाँ पे आपको $15-15 का एक मील मिल रहा होता है। तो लेकिन ये है कि एटलीस्ट आपको हलाल जो है ना अबंडेंट अवेलेबल है, कबाब शबाब बिरयानियाँ और पता नहीं क्या क्या हर चीज़ अवेलेबल है। तो मैं चल रहा हूँ वापस हॉस्टल, रात हो गई है, सुबह उठूँगा और सुबह इस डाउनटाउन के एरिया को और मॉन्ट्रियल की बाकी जगहों को एक्सप्लोर करूँगा, आपको भी दिखाऊँगा। इतनी सर्दी मैंने बिल्कुल भी प्लान नहीं की थी, मैंने बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट किया हुआ था कि यार मैं अभी जाऊँगा तो बर्फ़ वगैरह स्टार्ट हो गई होगी, लेकिन शायद जल्दी हो गई है ये बर्फ़ वगैरह स्टार्ट। तो सर्दी की पूरी प्रेपरेशन करनी पड़ेगी, मुझे लगता है जैसे ग्लव्स श्लव्स और कानों के लिए कुछ लेना पड़ेगा। तो मिलते हैं यार आपसे फिर सुबह नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग।